देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बिंदु खाता के भारतीय सेना के सिग्नल रेजिमेंट में तैनात सूबेदार हीरा सिंह कौरांगा का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सेना का जवान हीरा सिंह छुट्टी पर घर आए थे, जहां उनका निधन हो गया। हीरा सिंह के दो छोटे बच्चे हैं। जवान की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जवान का आज उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर प्राथम बिंदु खाता निवासी भारतीय सेना में सिग्नल रेजिमेंट में सेवारत सीरा सिंह पुत्र हाया सिंह कौरांगा उम्र 40 वर्षीय एक महीने की छुट्टी पर अपने घर आए थे। देर रात अचानक सीने में तेज दर्द होने लगा। जब तक परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचते, तब तक हीरा सिंह ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हीरा सिंह 3 दिन बाद अपनी छुट्टी पूरी कर वापस ड्यूटी पर असम जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। हीरा सिंह के निधन से परिवार में कोहराम मचा है। हीरा का भाई भी भारतीय सेना में जवान है, जबकि पिता सेना से सेवानियुक्त हैं। बताया जा रहा है कि हीरा सिंह कुछ महीने बाद सेना से सेवानियुक्त होने वाले थे, लेकिन इससे पहले वह दुनिया को छोड़कर चल बसे। सूबेदार हीरा सिंह कौरांगा का आज उनके पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो अमर रहे वीर बलिदानी, अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जैसे ही वीर बलिदानी हीरा सिंह का पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गजरा तो लोगों ने छतों पर चढ़कर वीर जवान के शव पर पुष्प वर्षा की। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर घर के आंगन में पहुंचा तो नम आंखों से पत्नी एवं समस्त गांव वालों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ हिंदू रीति रिवाज के बीच वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।